Assalamualaikum dear students of class 5, how are you all? Today we are starting your chapter unit 2, life function, lecture 1. Life function, हमारी life में होने वाले functions, उसके बारे में इस chapter में हम बहुत detail पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से functions हमारी life में होते हैं. Recall करेंगे कुछ points. Our planet has a billion of living things on it. हमारे planet पे billion of living things हैं. They can live on it because it has water, mineral, light, air and warmth. क्यों रह रही हैं वो इस planet में? Because हमारे पास क्या है? Water है, mineral है, light है, air है, warmth. तो ये सब हमारे planet में मौजूद हैं. Living things depend on each other. Living things जो है वो depend करते हैं एक दूसरे पे. ये नहीं है कि वो independent हैं. उन्हें हर दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है. ठीक है, ये सब क्या है? Dependent हैं एक दूसरे पर. एक पूरी चेन है इन लोगों की. इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर. देर इज़ अ वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ. हमारी लिविंग थिंग्स में भी वेराइटीज़ हैं ज़मीन पे, जो बहुत सारी चेंज वेराइटीज़ में मौजूद हैं. जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है डॉग है, यहाँ पे पिक्चर में आपको एक चाइल्ड नज़र आ रहा है जो ह्यूमन बींग है, यहाँ आपको पिक्चर में एक प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, बटरफ्लाई नज़र आ रही हैं. वॉट डज़ इट मीन टू बी अलाइव? वो कैसे ज़िंदा हैं? क्या वजह है कि वो ज़िंदा हैं? क्या ऐसी उनको चीज़ें प्रोवाइड हैं जिसकी वजह से वो इस अर्थ में, इस प्लैनेट में जो है अलाइव हैं? व्हाट करेक्टरिस्टिक्स डू ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स हैव दैट मेक देम लिविंग थिंग? लेट अस स्टडी इन डिटेल. ठीक है, अब हम इसको डिटेल में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. देयर आर सम थिंग्स दैट थिंग्स विच ऑल लिविंग थिंग्स डू. दीज जॉब्स और टास्क आर फंक्शंस. लिविंग थिंग्स परफॉर्म दीज फंक्शंस टू स्टे अलाइव. कह रहे हैं कि देर आर समथिंग विच ऑल लिविंग थिंग्स डू. हमारे पास हम ऐसी कुछ चीज़ें जो सब लिविंग थिंग्स जो हैं वो करते हैं. कोई जॉब हो, कोई टास्क हो, उस जॉब और उस टास्क को क्या कहा जाता है? फंक्शन कहा जाता है. लिविंग थिंग परफॉर्म कर रहे हैं ये फंक्शन. क्यों कर रहे हैं ये परफॉर्म? स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए. नॉट ऑल एनिमल परफॉर्म दीज फंक्शन इन द सेम वे. नॉट ऑल प्लांट्स परफॉर्म दीज फंक्शन इन सेम वे. नॉट ऑल एनिमल्स परफॉर्म से मतलब कि हर कोई एनिमल जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता फंक्शन सेम वे में जैसे इंसान कर रहे हैं. ना ही कोई प्लांट्स परफॉर्म कर सकता है फंक्शन सेम वे में. ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म द फंक्शन लिस्टेड बिलो बट दे डू सो इन अ वैरायटी ऑफ वेज. लिविंग थिंग्स परफॉर्म कर रहे हैं अपने फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, उनकी भी एक पूरी वैरायटी है. ठीक है, अलग अलग उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट उनकी जॉब है, डिफरेंट टास्क है. All living things move, grow, need food, carry out process, are called respiration, produce waste substance and reproduce. All living things क्या होते हैं? Move भी कर सकते हैं, हिलते झुलते हैं, हर जगह जा सकते हैं, grow कर सकते हैं. जब एक छोटे baby होते हैं फिर उससे बड़े हो जाते हैं तो growing हो रही होती है उनकी. Need food, उन्हें food होता है process के लिए. क्यों ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि तीन process यहाँ पर आपके mention है. Respiration, सांस ले सकते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस. प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंस, हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं. जैसे कि स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जैसे कि हम यूरिनेशन वॉशरूम यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो ये जितनी चीज़ें हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही हैं वो फंक्शन. थर्ड में रिप्रोड्यूस फंक्शन, रिप्रोडक्शन हो रही है. ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ सेंसिटिविटी. They use their senses to find out about their surroundings. हर लिविंग थिंग के पास एक सेंसिटिविटी होती है जो क्या करते हैं, अपने सेंस को यूज़ करते हैं क्या करने में? फाइंड अबाउट देयर वैरायटी सराउंडिंग्स, कि क्या हो रहा है सराउंडिंग में. तो वो कैसे इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी उनके पास मौजूद होती है. मूवमेंट का यहाँ पर फंक्शन है कि मूवमेंट क्या होती है. मोस्ट एनिमल्स कैन मूव देयर होल बॉडी. मोस्ट एनिमल क्या करते हैं? अपनी पूरी बॉडी को मूव करते हैं. प्लांट्स कैन ओनली मूव सर्टेन पार्ट्स. प्लांट्स जो है वो पूरा मूव नहीं होता. प्लांट्स के कुछ पार्ट्स हैं जो मूवमेंट शो कर रहे होते हैं. प्लांट्स ओपन देयर लीव्स एंड टर्न टू फेस द सन. प्लांट्स कैसे होता है कि ओपन कर लेते हैं अपने लीव्स को, टर्न कर लेते हैं फेस टूवर्ड्स द सन, सन के पास. ये मूवमेंट प्लांट शो कर सकता है. बट प्लांट्स की ऐसी मूवमेंट नहीं होती कि वो एनिमल की तरह हर जगह विजिट कर सके, हर जगह जा सके. एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू फाइंड द फूड एंड वाटर टू अवॉइड द डेंजर. डेंजर से बचने के लिए एनिमल जो इधर से उधर जा सकता है, अपनी फूड की तलाश में चले जाते हैं, पानी पीना है, तो ये सब में एनिमल तो मूव कर सकते हैं. ऐसी मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन.
ऐसी मूवमेंट्स को क्या कहा जाता है इन साइंस? लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स टू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन. ये एक डेफिनेशन है कि लोकोमोशन किसे कहते हैं. लोकोमोशन कहते हैं कि एनिमल मूव कर रहा हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन. ऑल मूवमेंट यूज अप एनर्जी. जब एनिमल मूव कर रहा है या प्लांट मूव कर रहा है, दोनों को क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी रिक्वायर्ड है. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो शो कर रही हैं कि कैसे मूवमेंट हो रही है. सीडलिंग्स ग्रो टूवर्ड्स द सनलाइट. सीड जो होता है, हम क्या करते हैं, सीड ग्रो करने के लिए मिट्टी खोदते हैं, सीड डाल देते हैं और फिर इस तरह का प्रोसेस करते हैं. हमने एक्सपेरिमेंट भी करा था. ये होता है प्रोसेस. फिर क्या होता है, सनलाइट वाटर सब की जो उसकी नीड होती है वो पूरी हो रही होती है, तो सीड क्या होता है, ग्रो करने लगता है. फिर ग्रोइंग स्टेजेस में आ जाता है जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है. इंसेक्ट्स मूव बाय द फ्लैपिंग देयर विंग्स. इंसेक्ट क्या करते हैं, अपने जो विंग्स हैं उन्हें फ्लैप करते हैं. ये बटरफ्लाई यहाँ पे शो की हुई है. इसी तरह और भी इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनके भी क्या होते हैं, यही विंग्स होते हैं या उनके जो भी पार्ट्स गिवन होते हैं, तो उससे क्या कर रहे होते हैं, वो मूवमेंट कर रहे होते हैं. जेली फिश स्क्वीज वाटर आउट ऑफ इट्स बेली शेप बॉडी. जेली फिश अपने वाटर में क्या कर रही होती है, अपनी जो बॉडी है उसमें अपनी बेली ऑफ इट्स शेप है उससे क्या करती है, वाटर में स्क्वीज हो रही होती है अपनी. आपने जेली फिश देखी हो अगर इन रियल, तो इसी तरह की होती है और बॉडी को वाटर स्क्वीज कर रही होती है और अपनी शेप बेली शेप की बॉड बना लेती है. मतलब अपनी जो बॉडी है वो बेली शेप की बन जाती है उसकी इन वाटर. ठीक है. मूवमेंट ऑफ एनिमल में लीच कॉन्ट्रैक्ट इट्स मसल्स टू मूव अलॉन्ग इन लूप. लीच जो है वो बिल्कुल अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, छोटी सी भी हो जाती है फिर मसल्स को रिलैक्स करता है, तो ये लीच बड़ा सा लगने लगता है हमें. बाय मेकिंग लूप्स दैट ट्रेवल द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी और स्नैक मूव साइलेंटली फॉरवर्ड. क्या होता है कि स्नैक जो है, जब उसको किसी छोटी सी जगह से निकलना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो वो क्या करता है, अपनी जो बॉडी को है वो लूप को क्या कर लेता है, छोटा सा कर लेता है और वो साइलेंटली वहाँ से आगे बढ़ जाता है. मतलब उसकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि वो ईजिली वहाँ से लेंथ उसकी बॉडी की कि वो ट्रैवल कर सकता है. यहाँ पे अब ब्रैंकल फिक्स इट्स सेल्फ टू वन प्लेस फॉर इट्स होल लाइफ. यहाँ पे एक ब्रैंकल्स हैं जो अपनी आपको एक जगह फिक्स कर लेते हैं होल लाइफ के लिए. ठीक है, ये भी फंक्शन है इनकी बॉडी का, इनकी लाइफ में ये भी फंक्शन हो रहा है. लीच के बॉडी में क्या फंक्शन है ये हमने पढ़ लिया. स्नेक का क्या फंक्शन है, अगर कुछ उसको कोई ऐसी प्लेस से ट्रैवल करना होता है तो वो अपनी बॉडी के साथ कैसे क्या कर लेता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं. द ह्यूमिंग बर्ड्स ओवर वाइल इट्स फीट अ लाइट वेट स्केलेटन टू लार्ज विंग मसल्स एंड फोर लिम्स मॉडिफाइड इन टू विंग्स हेल्प्स बर्ड टू फ्लाई. क्या कर रही है भाई, ह्यूमिंग बींग्स जो है, जो ह्यूमिंग बर्ड है उसकी जो विंग्स है उसके, एक तो सबसे पहली बात कि उसका वेट बहुत लाइट होता है, जो उसके स्केलेटन है जो उसका हड्डियों का ढांचा है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट का होता है. टू लार्ज विंग मसल्स, लेकिन उसके जो मसल्स हैं वो बहुत लार्ज होते हैं. फोर लिम्स मॉडिफाई होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड विंग्स हेल्प कर रहे होते हैं बर्ड्स को फ्लाई करने में. तो मूवमेंट क्या है ह्यूमिंग बर्ड की, भी ये एक फंक्शन है उसकी लाइफ का कि उसकी स्केलेटन लाइट, जो बॉडी है वो लाइट है बट लाइट वेट की है, बट उसकी जो विंग्स हैं उसको हेल्प कर रहे हैं. जो उसके फोर लिम्स हैं, जो उसके जो पाँव हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हैं जो हेल्प कर रहे हैं उसको फ्लाई करने में. अ फिश इट्स हेड बॉडी एंड टेल टू पुश टू थ्रू वाटर. फिश क्या कर रही है, उसकी जो हेड बॉडी और टेल है वो उसको हेल्प करती है कि वाटर में पुश हो सके. तो फिश जो है वो इस तरह उसकी लाइफ का फंक्शन चल रहा है, वाटर में इस तरह उसका हेड, उसकी टेल, उसकी जो ये है बॉडी है ये क्या कर रही है, उसको हेल्प कर रही है क्या करने में, वाटर में ट्रैवल करने में. ग्रोथ, ग्रोथ सेकंड इवेंट है हमारी लाइफ का, फंक्शन का. ऑल यंग लिविंग थिंग्स ग्रो. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबकी ग्रोथ होती है, सब बढ़ते हैं. एट सम स्टेज व्हेन दे बिकम एडल्ट दे स्टॉप ग्रोइंग. लेकिन क्या होता है, जब वो एडल्ट हो जाते, एक टाइम आता है तो उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. सम स्पीशीज़ ग्रो मोर क्विकली देन अदर. कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं हमारी लाइफ में, हमारी प्लानट में, जो बहुत जल्दी ग्रो कर लेती हैं. ह्यूमन बेबी टेक्स ओवर 20 ईयर्स टू ग्रो टू फुल साइज़. ह्यूमन बेबी जो है उसको 20 ईयर्स, 20 साल चाहिए, मतलब फुल साइज़ में वो ग्रो हो जाता है. अ यंग स्नैक द साइज ऑफ योर फिंगर कैन ग्रो टू बिकम एन एडल्ट ओवर 2 मीटर लॉन्ग. क्या हो रहा है कि हमारी जो साइज़ है फिंगर का वो ग्रो हो रहा है, बिकम एडल्ट ओवर 2 मीटर लॉन्ग. अ टाइगर टेक फ्यू ईयर्स टू रीच फुल साइज़. टाइगर को क्या चाहिए, फ्यू ईयर्स चाहिए होते हैं जो वो फुल साइज़ पे आ जाता है. ठीक है, अभी बेबी टाइगर है फिर बड़ा. अ बीन प्लांट मेक
टेक अ फ्यू वीक टू ग्रो फुल साइज. ठीक है, एक बीन प्लांट है उसको कितने चाहिए होते हैं, फ्यू वीक चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए फुल साइज में. एज स्मॉल सी टेक ईयर्स टू ग्रो इन टू अ टॉल ट्री. स्मॉल जो सीड है उसको क्या चाहिए होते हैं, कुछ साल चाहिए होते हैं एक टॉल ट्री बनने में. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंस है, किसी को वीक है तो किसी को एयर्स, और यहाँ पे ज़्यादातर जो है वीक किसको है, आप बीन प्लांट को है फुल साइज़ होने में. बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बेबी जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, 20 इयर्स के बाद हाइट इंक्रीज़ नहीं होती, हाइट की ग्रोथ जो हमारी कद होता है वो क्या होता है वहाँ पर जाके स्टॉप हो जाता है. तो ये आपको बताया हुई है कि ग्रोथ की क्या क्या कितने कितने एयर्स होते हैं जो ग्रोथ हमारी होती है और फिर स्टॉप हो जाती है. होमवर्क बच्चों आपका यहाँ पर है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो व्हेन दे आर डैश. ये आप लोगों ने सेंटेंसेस आप लोगों को गिवन है, ये आपने कंप्लीट करने बाय द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर, एंड आपकी बुक में भी ये लेक्चर गिवन है, आपकी बुक से ही हम ये सारा लेक्चर प्रिपेयर करते हैं. तो आपने ये तीन जो ब्लैंक्स दी हुई हैं इनके सेंटेंसेस को फिल करना है, अपनी कॉपीज़ में ये वर्क करना है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़.